सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। ये दोस्तों हमारा संडे कमेंट्स का फर्स्ट एपिसोड है, जिसमें मैंने पूल किया था अपने कम्युनिटी टैब में कि संडे कमेंट्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वहाँ पर ऑडियंस ने लगभग 83 ऑडियंस ने कहा था कि जी सर, संडे कमेंट्स आप बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं जो आपको, जिसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स के आंसर मैं उनके कमेंट्स में ही दे देता हूँ, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो जल्दी से समझाई नहीं जा सकती है, या फिर कई लोग जो होते हैं वो अपने कमेंट्स को नहीं देखते हैं। तो आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट संडे कमेंट्स है। हर हफ्ते संडे के दिन 2 बजे हम ये संडे कमेंट्स होंगे वो अपडेट करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, कुछ क्वेश्चन शायद आपके भी होंगे जिससे ये क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं फर्स्ट कमेंट्स की, जो पूछा है आपने। सोविया क्वाजीजी ने पूछा था कि सर, शादी से पहले ले सकते हैं पीरियड्स रेगुलर करने के लिए। ये बेसिकली माला डी के लिए पूछा गया था कि माला डी टैबलेट जो होती है शादी से पहले पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए इस टैबलेट्स का लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने माला डी टैबलेट्स के बारे में बता रखा है दोस्तों, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, बर्थ पिल्स होती है, जो बच्चों के गैप रखने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको पीरियड्स रेगुलर करने के लिए भी, जैसे PCODG में दिया जा सकता है, जो महिलाओं का एक विशेष रोग होता है, लेकिन ये जो दिया जा सकता है वो डॉक्टर की कंसल्टेंट के हिसाब से दिया जा सकता है। ज़्यादातर ये बर्थ पिल के लिए ही यूजेबल होता है, वो अब किसी महिला के प्रॉब्लम के हिसाब से ही लिया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी ले तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट या जो महिला डॉक्टर्स होते हैं उनकी सहायता से ही इसको लिया जा सकता है। वैसे कई महिलाओं के ये पीरियड्स या अनमैरिड में, उन कंडीशन में भी माला डी टैबलेट्स को लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सहायता से। दूसरे कमेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है भैया सदाना मादावारी जी ने कि हेलो सर, मैं नेपाल से हूँ, प्लीज़ मेरा एक्सीडेंट में लगभग 1 इंच का टांका लगा हुआ था, जो 4 डेढ़ दिन, मतलब कुछ कहना चाहते होंगे कि 4 डेढ़ दिन पहले, शायद 15 डेढ़ दिन गुड डॉक्टर ने खोले गए थे, तो अभी तक घाव नहीं भरा है, तो मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि लेग अभी तक फूल रहा है, थोड़ा कर लूँ तो फ्यूल, तो ये कुछ अभी जैसे लैंग्वेज में लिखा है, शायद ये पूछना चाह रहे होंगे कि मतलब हमने टांके लगे हुए थे 15-16 दिन हो गए हैं तो टांके भरे नहीं है। एक्चुअली में जो टांके भरे जाते हैं वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने दिन हो गए, कितना घाव है पुराना। अगर उनके लेग में आपके सूजन वगैरह आ रही है, जहाँ पर भी टांके लगे वहाँ पर स्वेलिंग आ रही है, तो आपको दवाई जो होगी कंटिन्यूसली रखनी चाहिए और डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सहायता से अपने टांके कभी भी मत हटवाइए, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तीसरा कमेंट हमें पूछा गया है मेप्टल स्पास टैबलेट पे, पूछा गया था एक क्वेश्चन, जिसने पूछा था कि भैया शिव कुमार नाटिकार जी ने, सर मेरा 3 मंथ से मेरे फेस पे स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है। अब इनके फेस पे स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है तो स्वेलिंग क्यों हो रही है, सबसे पहले इस बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्वेलिंग होने के फेस पे कई सारे कारण होते हैं जो जनरली होते हैं, जैसे कि नींद की कमी होना, अल्कोहल का यूज़ करना, सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीना, स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में है प्रॉब्लम, या फिर कोई दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप एंटीबायोटिक दवाई ले रहे हैं या फिर कोई नार्कोटिक ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है या फेस पे सूजन आ जाती है, या फिर आपका कोई खाना जो होगा इंडाइजेशन हो जाता है। कभी कभी लोगों को क्या होता है कि चावल वगैरह रात को खाने से भी मुंह पे सूजन आ जाती है, तो वो पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, तो उस हिसाब से ही आगे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके बारे में अपने डॉक्टर से ही जानकारी लीजिएगा तो ही आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट कमेंट पूछा था कि राजन वर्मा जी ने, जब डॉक्टर से ही एडवाइस लेना है तो तुम्हारी जानकारी का क्या मतलब, मतलब क्या है, वही पूछना चाह रहे हैं ये। तो सर मैंने इस वीडियो में काफ़ी टाइम से मैं इन चीज़ों पे आंसर दे चुका हूँ कि ये वीडियोस जो होती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, आपकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है। दवाइयों को आपकी जानकारी के लिए ही हम बताते हैं कि भैया आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी दवाई किस काम आती है, ताकि आपको डॉक्टर रिकमेंड करे तो आपको उसमें समझना चाहिए कि कब कब से दवाइयाँ किस लिए काम जाती है। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं हम जानकारी के लिए बताते हैं, ना कि हम किसी को सजेशन देते हैं। तो इस वीडियो पे या इस टॉपिक में कई बार आपको वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, आई होप इनको समझ में आ जाए। नेक्स्ट कमेंट पूछा है हमारे साक्षी सिंधे जी ने कि मेरे लंग्स में पानी भर गया था, वो निकालने के बाद स्टिचेस लिए सारे निकाल दिए, लेकिन एक टांका रह गया है, वो अब दिख रहा है और उसके आसपास स्किन भी आ रही है,
वट डू टू डू नाउ आई कैन गिव टेंशन आई कांट गिव टेंशन, मतलब कह रहे होंगे कोई टांके वाँके लगे हैं तो स्किन निकल जा रही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर से ही आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाइए। अगर उसमें एक्चुअल में सच में टांका है तो वो आपको हटाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर टांका वही रह जाएगा तो आपको पस वगैरह बनने के डर रहेगा, जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जहाँ पर भी टांके वगैरह लगे हैं या फिर नॉर्मल नज़दीक कोई पॉलीक्लिनिक है जहाँ पर स्टिचिंग वगैरह होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर जाइए। अगर उनको सच में लगे कि स्टिच है तो उसको हटा दीजिए और दवाई का आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट्स पूछा है मंसूर पटेल जी ने कि सर सिफ्रोफ्लॉक्सिन 250 की डोज बताएं। सिफ्रोफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक्स है जिसके बारे में काफ़ी टाइम से मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। आई बटन में लिंक मिल जाएगा तो आप इसके बारे में पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये 250 और 500 mg में मिल जाता है। 250 mg तक जनरली 15 की एज तक आराम से आप इसको दे सकते हैं, यानी 11 से 15 या जो टीनेजर होते हैं उनको 250 mg तक दिया जाता है, या फिर एडल्ट को भी इसको लिया जा सकता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। 250 का डोज होता है वो सुबह शाम होता है, और 500 का भी जो होता है वो सुबह शाम होता है, जनरल जो डोज होती है। लेकिन इसके बाद पेशेंट की कंडीशन को देख के, पेशेंट की हालतों को देख के फिर डोज होती है वो निर्धारित की जाती है। बच्चे में जो डोज होता है इसका 5 to 15 kg, यानी पर kg के हिसाब से इसको सुबह शाम दिया जा सकता है, और इंजेक्शन का डोज होता है 200 से 400 mg पर kg के हिसाब से इसको लिया जा सकता है। तो इसलिए डोज जो होती है दवाई की वो पेशेंट की कंडीशन को देखकर ही लिया जा सकता है। 250 की जो जनरल डोज होगी वो सुबह शाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट हमारे पूछा था कि हज़रत ब्लॉग्स जी ने, शायद इनका ब्लॉग चैनल होगा, सर मुझे चाहिए आपका नंबर दीजिए। एक्चुअल में नंबर के लिए काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट किया था कि भैया अपना नंबर दीजिए, हमें बात करनी है आपसे, कुछ बातें करनी है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके लिए हमने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको दे रखा है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँ जिसमें सारे हमारे ऑडियंस होगी वो इकट्ठा होंगी, जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना है उसमें हम आंसर आराम से कर सकते हैं। तो अगर वो ग्रुप मैं अभी क्रिएट कर पाऊँगा तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो नंबर देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि काफ़ी फिर लोग कमेंट्स करते हैं, कॉल भी करना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह का आपको इसमें बता रखा है। नेक्स्ट कमेंट आता है कि रजा जी ने पूछा है, रजा है इनका नाम, सर लीवर के लिए कौन सा सिरप अच्छा है, इस पर वीडियो बनाएं। तो लीवर टॉनिक के लिए मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना चुका हूँ। लीवर के लिए ऐसा कोई भी अलग सा कोई दवाई नहीं होता है, जो लीवर में काम करे वही बेटर होता है। आप हिमालय का ले लीजिएगा, कोई भी लीवर टॉनिक ले सकते हो आप, जो काफ़ी बेस्ट मैंने बताए हैं। लीवर का काम क्या होता है कि आपके बॉडी में भूख को कमी को दूर करता है, लीवर का इन्फेक्शन हो रखा है जैसे पीलिया वगैरह हो रहा है, तो लीवर के लिए आप कोई भी टॉनिक ले सकते हैं, वो काफ़ी बेस्ट ही होंगे। किसी भी हम एक प्रोडक्ट को आपको बेस्ट नहीं बता सकते, कभी कभी जेनेटिक और एथिकल रिजल्ट में भी काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो वैसे तो लीवर मीन आता है आपका, ली 52 आता है, तो इनमें से आप कोई भी हर्बल ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट आता है कि दिव्यांशी जोशी जी ने पूछा था चॉइस टैबलेट पे रिकॉर्डिंग कि सर मेरे लास्ट पीरियड 17 मार्च को आया था, फिर नहीं आया है, आई एम मैरिड, मैंने 1 मई को चेक किया था, एक किट में लाइट पिंक लाइन आई है पर हमें अभी नहीं चाहिए, तो क्या मैं ये टैबलेट ले सकती हूँ। यानी चॉइस टैबलेट को आप वो कह रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी में पॉजिटिव है लेकिन वो चॉइस टैबलेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। एक्चुअल में जो चॉइस टैबलेट है वो कंटिन्यूसली लेने वाली एक बर्थ पिल होती है, तो इसके लिए इसका बेटर रिजल्ट मेरे को नहीं लगता है कि आएगा। अगर पॉजिटिव है तो अनवांटेड किट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, मेंसुरेशन कैप्सूल आते हैं वो यूज़ करें तो बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। इसके लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि कौन सी आपके लिए बेटर रहेगा आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, लेकिन चॉइस टैबलेट को इस समय लेना थोड़ा बहुत बेकार हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट्स आता है कि हरमन नेगी जी ने पूछा है कि स्टिच लगाने के कितने दिन बाद विस्की पी सकते हैं, मतलब इन भाइयों को स्टिच लगा है तो कब कह रहे हैं कि अल्कोहल का सेवन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब तक आपकी दवाई चल रही है तो अल्कोहल का सेवन ना ही करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि इससे दवाई के साथ साथ कोई भी रिएक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो दवाई के अल्कोहल के साथ नहीं लेने चाहिए, तो बिल्कुल ना लीजिए जब तक कि आपके स्टिच वगैरह रिकवर ना हो, यही बेटर होगा।
तो ये थे कुछ दोस्तों 10 से 11 कमेंट जो हमें पूछे गए थे कि लोगों ने हमें कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो जनरली हम आपका कभी नेक्स्ट कमेंट आता है तो हम जनरली अगले वीक में कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। कई लोग हमें फालतू ही कमेंट करते रहते हैं, जो हमने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका है उसी के लिए कमेंट करते रहते हैं कि भैया इसको कितना यूज़ करना है, इसको कैसे यूज़ करना है। यार वही तो हमने वीडियो में बता चुका है, तो वो आप वीडियोस को पूरा देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों के कमेंट का आंसर मैं वैसे भी उनके कमेंट्स को तुरंत ही रिप्लाई करके दे देता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। नेक्स्ट वीक संडे कमेंट्स को मिलते हैं। ओके बाय टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।